अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हामिद इकबाल है, मेरा ताल्लुक मर्दान शहर से है, KPK पाकिस्तान से। मुझे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है सऊदी अरेबिया में। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है डिस्टर्ब सपोर्ट, और तकरीबन इतना ही अर्सा मुझे इस जॉब पर हो गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेरा ताल्लुक तकरीबन 10 साल से डिस्टर्ब सपोर्ट से ही रिलेटेड है। तकरीबन 1822 में चार्ल्स बाबगे ने एक मशीन ईजाद की जिसका नाम उसने कंप्यूटर रखा। कुछ वक्त तक तो कंप्यूटर ने अपनी तरक्की का सफ़र बड़े ही आहिस्ता अंदाज में तय किया, लेकिन कुछ अर्से गुजरने के बाद इस टेक्नोलॉजी ने अपनी तरक्की की रफ्तार इतनी तेज की कि आज तकरीबन हर इंसान कंप्यूटर को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करने पर मजबूर है। चाहे वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो दरमियाने दर्जे की इंडस्ट्री है, ये चाहे वो बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री जिसे स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं, चाहे वो लोहे का कारोबार है, चाहे वो आटे का कारोबार है, चाहे वो दालचीनी का कारोबार है, चाहे कोई आम शख्स है या कोई खास शख्स, गर्ज हर फर्द, हर तबका और हर शख्स आज इस इजाद का मोहताज है। करियाना मार्केट से लेके करियाने की छोटी सी दुकान से लेके जहां पर आप डिजिटल स्केल देखते हैं, वो भी कंप्यूटर की एक शक्ल है। कैलकुलेटर भी कंप्यूटर की एक शक्ल है, ठीक है। इस तरह इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जिनमें से कुछ मशीनों के नाम CNC से शुरू होते हैं, वो भी कंप्यूटर से मुतसिल है। कोई भी ऑफिस, शायद ही कोई ऐसा ऑफिस हो जहां पर कंप्यूटर ना हो। गर्ज ये सारी बातें जमा करके इनका इख्तिसार यही निकलता है कि आज तकरीबन हर शख्स इस चीज का किसी न किसी शक्ल, किसी न किसी सूरत, किसी न किसी तरह से इस चीज से मुत्तसिल रहने का मोहताज है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा इस फील्ड में तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। कंप्यूटर ना कोई ऐसी चीज है, ना कोई ऐसी मशीन है जिसको कोई मिनटों में समझा जाए। एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। जिस तरह कहते हैं कि दरिया को एक लोटे में बंद करने वाली बात वो नामुमकिन है। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए इस फील्ड में, मैं आज भी मैं चीजें सीखता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बेसिक होती हैं कि जिनकी बुनियाद पे फिर आगे आप चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा ABC सीख रहा है, अगर उसने ABC अपनी पक्की कर ली है, तो आप उसके लिटरेचर की किताब नहीं पकड़ा सकते कि पढ़ो। वो अपने वक्त, अपने इलम, अपनी काबिलियत के जरिए
एक वक्त में आगे जाके पढ़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर को भी मेरे सिखाने की यही कोशिश होगी कि मैं इसको एक बुनियाद से लेकर चलूं, इसके जितने भी फैलाव मैं समझ सकता हूं आप लोगों के साथ शेयर करते चलूं। इसके अलावा भी अगर आप किसी मुश्किल में हैं, कंप्यूटर के बारे में कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल शूट नहीं कर पा रहा है, ये आपको अपने इलम के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर अब इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, मार्केट्स, दुकानों से निकलकर घरों तक और अब घरों से निकलकर हर फर्द तक पहुंच चुका है। हर बंदे के पास, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन जिन लोगों की जॉब है या जो लोग कंप्यूटर घर में रखे हुए हैं, चाहे वो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उनमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कंप्यूटर क्या है, कैसा होता है, कितनी किस्में हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें, किस पार्ट्स में क्या खराबी आती है, उसमें कौन से पार्ट्स की वजह से क्या ट्रबल आती है और कौन सी ट्रबल किस तरीके से सॉर्ट आउट की जाती है, मैं उसके बारे में आपसे रब्ता करता रहूंगा इंशाल्लाह। ये एक पूरा सिलसिला है और सिलसिले में एक कड़ी नहीं होती, हर कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी होती है। आप ऐसे समझ लें जैसे एक तसलसल हमने शुरू किया है, एक सफर है जिसमें पहले हम अपना बेसिक बताएंगे, उसके बाद फिर आगे चल के ट्रबल शूटिंग करेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह आगे भी कुछ और है जो खास है। मैं अपनी जिंदगी के अपने इस प्रोफेशनल सफर के साथ, अपने इस प्रोफेशनल सफर को आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके मेरे सफर में मेरे साथी बनिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इस सिलसिले की हर कड़ी के आने की इत्तला आपको मिलती रहे, ताकि मेरा और आपका ये सफर बखूबी और बखुशी इंशाल्लाह चलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप इनको समझ चुके होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी सिलसिले के अगली कड़ी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गुरुजनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।